फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सियास वर्ल्ड। फ्रेंड्स, क्या आपको टैनिंग रहती है? क्या आपकी स्किन डल हो गई है या फिर ग्लो नहीं कर रही? तो आज मैं आपके सामने रिव्यू एंड डेमो करने वाली हूँ फेम की इस डी टैन ब्लीच का, जिसका पूरा नाम है फेम डी टैन क्रीम ब्लीच फॉर एक्टिव टैन रिमूवल विद ऑरेंज पील। ये जो ब्लीच है, ये मैं पिछले एक साल से यूज़ करती आ रही हूँ एंड टैन रिमूवल के लिए ये मेरी फेवरेट ब्लीच बन चुकी है। इसकी MRP 82 रुपीज़ है एंड इसकी टोटल क्वांटिटी 30 ग्राम दी गई है, जिसमें आपको 21 ग्राम क्रीम ब्लीच मिलती है, पाउडर एक्टिवेटर 3 ग्राम, प्री ब्लीच क्रीम 3 ग्राम एंड पोस्ट ब्लीच क्रीम 3 ग्राम एंड इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स दी गई है। ये जो ब्लीच है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अमोनिया नहीं दिया गया, इसमें ऑरेंज ऑयल दिया गया है जो कि आपकी स्किन से टैन को नेचुरली रिमूव करता है एंड विटामिन ई दिया गया है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। एंड फ्रेंड्स, आपको ब्लीच को कहाँ अप्लाई नहीं करना होता, आपको अपने आईज के अराउंड एरिया ब्लीच को अप्लाई नहीं करना, और अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, चाहे वो कहीं कहीं भी है, तो आपको ब्लीच को उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं करना, बिकॉज इसके अंदर जो पाउडर एक्टिवेटर होता है वो काफ़ी हार्श होता है जो कि हमारे पिंपल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ब्लीच को अप्लाई करें तो आप इन एरियाज़ को छोड़कर ही अप्लाई करें। तो चलिए अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये दी गई है क्रीम ब्लीच। आप देख सकते हैं ये छोटी सी डिब्बी है, लेकिन ये जो छोटी सी डिब्बी है, ये मेरे कम से कम 4 मंथ्स तो निकाल ही जाती है। ये मेरी 2 टाइम की हो जाती है, बिकॉज मैं जो ब्लीच अप्लाई करती हूँ वो या तो 45 डेज की बात करती हूँ या फिर मैं 2 मंथ्स की बात करती हूँ। मैं हर मंथ ब्लीच अप्लाई नहीं करती, तो इस तरह से ये मेरी 2 टाइम्स की हो जाती है। एंड साथ में इसके दिया गया है ये 3 ग्राम का एक्टिवेटर एंड ये तो मेरा मोस्टली बच ही जाता है एंड जो बचा हुआ एक्टिवेटर होता है वो मैं पेडिक्योर में डाल देती हूँ। एंड साथ में दिया गया है ये है प्री ब्लीच क्रीम के 3 सैशे एंड साथ में है पोस्ट ब्लीच क्रीम के 3 सैशे। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये स्पून दिया गया है, एक साइड पे बड़ा है, एक साइड पे छोटा है, और ये एप्लीकेटर दिया गया है जिसे कि मैं सिर्फ ब्लीच चेक करने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे मैं अप्लाई नहीं करती, बिकॉज इससे मुझसे तो अप्लाई नहीं होती, तो मैं इसे सिर्फ चेक करती हूँ। ब्लीच अप्लाई करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ। एंड साथ ही फ्रेंड्स, इसके अंदर ये एक आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए एक दिया गया है जिसमें सारा कुछ मेंशन है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच क्रीम दोनों ही यूज़ नहीं करती, बिकॉज ये दोनों क्रीम्स यूज़ करने से मुझे वो इफेक्ट नहीं मिल पाता जो इनके बिना मिलता है। सो मैं इन्हें अवॉइड करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी क्रीम ब्लीच लेती हूँ, उसमें पाउडर एक्टिवेटर डालती हूँ और उसे अप्लाई करती हूँ। सो अब हम चलिए अपनी ब्लीच को अप्लाई कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस ब्लीच को करने के बाद मेरी स्किन पर जितनी टैन थी वो रिमूव हो चुकी है एंड मेरी स्किन ग्लो करने लगी है। सो अगर आप भी इस तरह की स्किन पाना चाहते हैं तो आप इस ब्लीच को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।